सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। फिर से एक और बार हम करने वाले हैं माइनक्राफ्ट सीरीज़ की। और जो मेरी पुरानी वाली वर्ल्ड है ना, मेरा वो माइनक्राफ्ट डिलीट हो गया है सैडली, और मेरा वर्ल्ड भी चले गया। पर कोई बात नहीं, हम एक और नए जोश के साथ आए हैं यहाँ पर। हेलो मुर्गी मौसी, मुझे देखकर खुश है? आंसर दे। हाँ, क्या है? आंसर तो दे। क्या है, बोल, कुछ बोलेगी? नहीं बोलेगी, चल मार खा तो फिर। हे, तुझे कुछ बोलना है? ये भी कुछ नहीं बोलती सालार, क्या मुर्गी है, कुछ बोलती भी नहीं। ऐसे मतलब कुछ बोलती ही नहीं है सालार। पता नहीं, एकदम लकड़ काटते हैं आराम से, क्योंकि ये तो माइनक्राफ्ट का परम रूल है। और परम रूल को अगर फॉलो ना करे तो कैसे चलेगा? ये तो माइनक्राफ्ट का सबसे पहला रूल है सर्वाइवल सीरीज का। लक्कड़ काटते हैं सबसे पहले आराम से। हाँ, अब सेकंड रूल, ब्लैंक्स बनाना। थर्ड रूल, क्राफ्टिंग टेबल बनाना। फिर बाकी जो करना है वो हम खुद कर सकते हैं। मैं स्टिक बना के वेपन ठेपन कुछ बनाऊंगा। हाँ, ये तीन चीज़ मेन है। अब चलो चलते हैं, थोड़े से गौ माता को मार दे। लाला गौ माता, कोई बात नहीं। टर्टल को भी मारे क्या? नहीं, हम बेचारे टर्टल को नहीं मारेंगे। एक तो स्लो है, मार खाएगा तो और स्लो हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, क्या पता कहीं डायमंड ही मिल जाए। नहीं, डायमंड इतनी ऊपर नहीं मिलेंगे, एकदम लावा के पास जाना पड़ेगा। मर खाएगी? हेलो, अच्छा ये इसका भाई है, बोल रहा है मेरी बहन को मत मारो, मुझे मारो। ये मार दिया, अब तेरी बहन भी मार खाएगी। ये ले, सॉरी गौ माता, तुमको मारना पाप है पर अभी खाने का हिसाब है। अबे भाई साहब, गौ माता को मारने का सजा मिल गया मेरे को। देखा देखा क्या सजा मिला मेरे को, क्रीपर आके कान के सामने फट गया। कोई बात नहीं, अपना डर्ट उठाते हैं और भाग लेते हैं। अच्छा वाह, बच गया। लोग तो क्रीपर के फटने की वजह से मर जाते हैं, मैं तो फिर भी बच गया। आई एम सो लक्की। ब्लॉक खोद के एक काम करते हैं, थोड़ी बहुत स्टोन निकाल लेते हैं। ये पत्थर लग रहा है, पत्थर और तोड़ते हैं सैंडस्टोन, और नीचे निकलते हैं थोड़ी बहुत पत्थर खोदने के लिए, और हम निकल गए केव में। वाह क्या बात है, एक और क्रीपर। लो, दो दो गाय को मारने के लिए दो दो सजा। हो गया काम तमाम, यहाँ पे थोड़ी खुदाई कर लेते हैं आराम से, मजे में खोद लेंगे हम। और पहले जगह को ब्लॉक रखते हैं, क्योंकि एक और क्रीपर अगर घुस गया तो इस बार तो मैं ख़त्म हूँ, क्योंकि इस बार मेरे पास उतने हार्ट नहीं है। क्राफ्टिंग टेबल बिठाते हैं, थोड़ा कुछ क्राफ्ट अभी नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत खुदाई चलेगी अब यहाँ पर। लो 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 लो, खोदो खोदो, मज़े में खोदो, एकदम आराम से मज़े में खोदो। इतने मज़े तुमने कभी नहीं किए ना, उतने मज़े में खोदो आराम से, खोदो। लो 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 हो लो 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 लो। स्टोन बहुत ही फालतू, स्टोन को माइन करके मिलेगा हमको कोबल स्टोन, और कोबल स्टोन को से हम बनाएंगे सामान। पहले फर्नेस की मेरे को लगी है भूख, मतलब मेरे प्लेयर को लगी है भूख, तो लक्कड़ डालो, चिकन पकाओ, चिकन खाएंगे आराम से। और कुछ क्राफ्ट करना है? नहीं, आई थिंक और कुछ क्राफ्ट करने को नहीं लगेगा। थोड़ा सा वुड वापस ले लेते हैं, कुछ क्राफ्ट करें कर ले क्या? स्टोन की ये तलवारी बना लेते हैं।
और ये चिकन बन गया, इसको डालते हैं पकने के लिए। जल्दी पक जा पक जा पक जा, जल्दी पक जा। चलो जितना ये पकेगा थोड़ा सा स्टोन ही खोद लेते हैं, है ना। एकदम फालतू में काहे बैठे, स्टोन खोदते हैं मजे में ऐसे ऐसे। कितनी अंधकार हो गई है, आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, मेरे को भी कुछ नहीं दिख रहा था, पर मैंने फिर भी खोद लिया। बाहर निकलते हैं, बहुत ही अंधेरा है। और अपना भाई जल्दी पकता है, क्यों नहीं है ये जल्दी पकना। ब्लास्ट फर्नेस नहीं, वो हो स्मोकर होता तो अभी तक पक जाता, क्योंकि स्मोकर खानों के लिए है, फर्नेस जिसमें हम मेल्ट भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बस स्लो होगा। और ब्लास्ट फर्नेस ओर्स के लिए है, जो ओर है ना जिन्हें हम स्मेल्ट करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस उनके लिए बनाए, इसलिए वो फास्ट होता है, क्योंकि उसमें खाना नहीं पकता। पक गया। चलो अब अपना बोरिया बिस्तर बांट लेते हैं यहाँ से, और भागते हैं बाहर की तरफ, मतलब बाहर निकलते हैं यहाँ से। मेरे को नहीं, इतनी जल्दी नहीं, आयरन को तो खोद जाए, क्रीपर ने जो आयरन दिखाया है हमको उसको तो खोदने दो, इतनी जल्दी कैसे चले जाए, आयरन भी तो चाहिए। आयरन का आर्मर बनाएंगे फिर जल्दी से फटाफट, बहुत खुदाई करेंगे, और डायमंड का आर्मर भी तैयार करेंगे। पर डायमंड का आर्मर मैं इतनी जल्दी नहीं पहनूंगा, कि वो टूट गया तो समझ लो मेरे बहुत डायमंड बर्बाद हैं। मैं पहले वो क्या कहते हैं क्या लाइब्रेरियन से मेंडिंग्स ट्रेड करूँगा, डायमंड के आर्मर जितना भी सामान है डायमंड का सब पे मेंडिंग लगाऊंगा, उसके बाद मैं उन्हें यूज़ करूँगा। तब तक के लिए नहीं यूज़ करना उन्हें, उन्हें एकदम चेस्ट में संभाल के रखेंगे। पर फिलहाल के लिए एक जगह ढूंढते हैं। ओके, मिल गई हमें जगह, विलेज, और हमको मिल गया आयरन गोलम। इसको मार के अपने ट्रेडिशनल तरीके से इसको मारते हैं, ले मार खा मार खा और मार खा मार खा मार खा, जल्दी मारना भाई। चार आयरन के इंगट आई थिंक सो। चलो रात होगी, दो विलेजर को बचा के रख देते हैं, क्योंकि बाद में हम इनके फार्म्स, अभी कामचर विलेजर मार खाएगा साला, कामचर विलेजर विलेज में ना होना चाहिए। ए बेचारे की नींद मैंने पूरी नहीं होने दी, सॉरी। क्राफ्टिंग अब यही है मेरी जगह, यहाँ पे सब कुछ बनाएंगे, चेस्ट बनाते हैं पहले, पहले जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कैसा है। सिल्टस दे रहा है, वाह नाइस, पर नहीं चाहिए तेरे को, मैं बचा के रख देता हूँ। म्याओ म्याओ, सामान कहाँ है, आयरन स्मेल्ट करते हैं। अब एक हेलमेट बना लेते हैं आई गेस, हेलमेट और एक बाकी का सामान बनाएंगे। गौ माता की मारी, और थोड़े से लक्कड़ ले लेते हैं अपने, मतलब चेस्ट बनाने के लिए सामान फूमान सब रखना है ना उसमें, तो चेस्ट बनाते हैं जल्दी से। प्लैंक्स बनाते हैं फिर चेस्ट बनाते हैं, बन गया। अब सर लार्ज चेस्ट में सब कुछ घुसा दो, जितना ही फालतू का सामान है। हमने आयरन का सामान बनाया, बस फुल आर्मर कंप्लीट नहीं हुआ, और वो हम अगली वीडियो तक मैं डायमंड का आर्मर कंप्लीट करके दिखाऊंगा, देखना कैसे हुई, फुल सर्वाइवल, नो क्रिएटिव मोड इज यूज्ड। तब तक के लिए इन हे बेल्स को माइन कर लेते हैं, और इनका व्हीट बना के ब्रेड बना लेंगे। ये विलेज में आके यही सबसे अच्छी बात है, इनके हेवेल्स को यूज़ करने में मज़ा आता है, इनकी बचाई हुई फूड स्टोरेज को हम यूज़ कर लेते हैं। बेचारे विलेजर्स क्या होगा, आराम से घूमो। अब इनका वीट बना, मतलब अब ब्रेड बनाएंगे, 40-40 फुट ब्रेड इज मोर देन इनफ। थोड़ी सी खेती कर लेते हैं टाइम पास करने के लिए, क्योंकि अभी तो हम और कुछ करने वाले हैं नहीं, अभी यहाँ पर ना वीट बना दे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, वेट